गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं चामुंडा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है मंदिर में काफ़ी रौनक है, क्योंकि जो अभी लगा हुआ है नवरात्रा का आज जो है दूसरा दिन है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए मंदिर, तो मंदिर को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फूलों से सजाया हुआ है, और बहुत ही जो है सुंदर लग रहा था मंदिर। तो ये है शिव जी का मंदिर, तो शिव जी के मंदिर को भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों से सजाया हुआ है। और यहाँ पर जो है खड्ड में पानी का बहाव जो था बहुत ही तेज़ था। तो अभी जो है टूरिस्ट वगैरह थोड़े कम है, क्योंकि अभी बारिश की वजह से। और फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए पूरा मंदिर का नज़ारा, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मतलब लोग आ जा रहे थे। तो हमने जो है आज मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तभी आज हम जो है मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो मौसम भी अच्छा ही था, बारिश नहीं हुई थी, अच्छी धूप खिली हुई थी आज। तो फ्रेंड्स, अब हमने दर्शन कर लिया, अभी थोड़ी देर यहाँ पर मंदिर में बैठते हैं। मंदिर को जो है बहुत अच्छे से जो है फूलों से सजाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। तो अब हमारा दर्शन हो गया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ वेज थप्पा। तो इसके लिए जो है मैंने सब्जियाँ वगैरह जो है सभी काट के रख ली हुई हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने सब्जियाँ जो है मैं कौन कौन सा डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने लिया है गाजर। गाजर को भी मैंने जो है बारीक काटा है। और ये है प्याज, और ये है बीन्स, और एक टमाटर है, और ये लहसुन, और एक ये अदरक और पत्ता गोभी। तो इन सब सब्जियों को जो है मैंने बारीक काट लिया हुआ है। इसको अदरक और लहसुन को जो है मैं इसको बारीक पीस लूँगी। और ये जो हम थोपा बनाते हैं, इसमें जो है कि हम लोग इसमें अदरक जो है जरूर डालते हैं, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है अदरक, तो क्योंकि इसमें जो है अदरक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब बनाने की करते हैं तैयारी। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। कढ़ाई भी जो है गर्म हो गया है। और ये लहसुन है, ये लहसुन को जो है मैं इसको कूट लेती हूँ।
ये लहसुन को जो है मैंने कूट लिया है। अब इसको मैं जो है प्याज के साथ में ही इसको मिक्स कर दूंगी और फिर अब कूटते हैं ये अदरक। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैंने डाल दिया है प्याज और ये बारीक काटा हुआ गाजर और जो मैंने सब्जी बीन्स वगैरह था ये सभी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं करूंगी थोड़ी देर अच्छे से फ्राई और इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा तेज ही रखेंगे। और अब इन सभी सब्जियों को जो है अच्छे से भून लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया है और अब मैंने जो है पतीले में पानी डाल दिया है नूडल्स बॉईल करने के लिए। तो ये मैं ले रही हूँ हक्का नूडल, तो पानी को अब जो है मैंने अभी थोड़ी देर बॉईल करने के लिए रखा है और यहाँ पर जो सब्जियाँ भी है ये लगभग तैयार हो गई है। इनको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको थोड़ा हम कच्चा कच्चा ही रखेंगे। अब पानी जो है अच्छे से बॉयल हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच के करीब थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा जो है मैं कलर के लिए थोड़ा हल्दी डाल दूंगी। तो तेल डालने से ये होता है कि नूडल्स जो है आपस में चिपकेंगे नहीं। अब पानी जो है अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। अब सब्जियां भी तैयार हो गई है, थोड़ा गल गया है सब्जी भी। अब इसमें मैं डाल दूंगी आखिरी में ये कूटा हुआ अदरक। अदरक को जो है लास्ट में डालेंगे ताकि इसका जो है फ्लेवर जो है इसका कच्चा कच्चा फ्लेवर जो है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो अब ये मसाला जो है हो गया है तैयार। अब इसमें अपने हिसाब से जो है हमें कितना सूप चाहिए उसी हिसाब से अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो अब इसको पानी डालकर थोड़ी देर इसको बॉयल करेंगे। तो अब नूडल्स भी हो गया है बॉयल अच्छे से। अब इसको थोड़ी देर के बाद जो है हम निकाल देंगे। अब इसको इसका गर्म पानी फेंक कर इसमें ठंडा पानी डालकर इसको अलग से रख देंगे। तो नूडल्स का जो है मैंने गर्म पानी फेंक कर इसको ठंडे पानी से धोकर इसको रख लिया है अलग से। तो अब इस सूप में जो है मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब इसमें मैं डाल दूंगी सोया सॉस। सोया सॉस से जो है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और विनेगर जो है वो मैं बाद में डालूंगी इसमें। तो फ्रेंड्स अब हमारा डिनर जो है बनकर तैयार है। डिनर में मैंने आज बनाया है वेज थोपका। तो फ्रेंड्स अब करते हैं वेज थोपका सर्व और ये बनाने में बहुत ही इजी है। तो मैंने ये बनाया है वेज, आप इस तरह से चिकन या मटन भी डालकर बना सकते हो। और फ्रेंड्स ये आप वेजिटेबल बना भी बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और फ्रेंड्स अगर आप इसको सर्दियों के दिन में बनाओगे तो ये और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ कल। तो फ्रेंड्स आपका मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।